हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतूस कुकिंग हब। आज मैं लेके आई हूँ रमजान स्पेशल चिकन चीज कबाब। ये बनाने में भी बहुत आसान है और इसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब है। ये नॉर्मल कबाब की तरह ही बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर की चीज़ की जो फीलिंग है वो इसे एक अलग सा टेस्ट दे देता है। आप खुद जब इसे बनाएंगे तो आप सोचेंगे कि पहले क्यों नहीं बनाया था। तो आइए इस रेसिपी को बनाते हैं। चिकन चीज कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 kg चिकन लिया है। ये मेरे पास बोनलेस चिकन था, तो अभी हमें इसे मिक्सर पॉट में बारीक पीस लेना है। चिकन को आप धो के पानी पूरा निकलने के लिए किसी छन्नी में रख दें, ताकि जब चिकन को हम लोग पीसे तो वो एकदम ड्राई रहे, तो हमें कबाब बनाने में आसानी होगी। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये पीस चुका है और एकदम ड्राई है। तो यहाँ पे मैंने सारे चिकन को पीस लिया है। और अभी मैंने यहाँ पे लिया है 3 बड़े चम्मच प्याज, जिसे मैंने बहुत ही बारीक टुकड़ों में कट किया है। 1 बड़ा चम्मच अदरक लिया है ग्रेट किया हुआ। एक छोटी चम्मच ली है मैंने चिली फ्लेक्स। 1 छोटी चम्मच ली है मैंने धनिया पाउडर। 1/2 छोटी चम्मच ली है मैंने काली मिर्च पाउडर। 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर। 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। और 1 छोटी चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, तीखी लाल मिर्च पाउडर। और 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। यहाँ पे मैं 1 हरी मिर्च को भी डाल रही हूँ बारीक टुकड़ों में कट करके। और नमक स्वाद अनुसार। हरा धनिया मैं डाल रही हूँ 1 मुट्ठी भर के। और इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये जो हमारा जो कबाब का जो मिक्सचर है, आप चाहे तो इसे 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं। किसी भी एयरटाइट डब्बे में आप बंद करके इसे रख दें, कोई भी शेप देखें, और कभी भी आप इसे तल के खा सकते हैं। और मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच बटर डाल रही हूँ। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, क्योंकि चिकन में ज़्यादा फैट नहीं होता है। इसे डालने से आपका कबाब काफ़ी टेस्टी बनेगा। और आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर एकदम अच्छे से रेडी है। और यहाँ पे मैंने लिया है ये मोजरेला चीज़। आप कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। और अभी मैंने हाथों पे तेल लगा लिया है और हमें अभी कबाब बनाना है, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कबाब का मिक्सचर ले लिया है हाथों पे, जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं। और इसके अंदर हमें ऐसा कटोरी टाइप का बनाना है, जैसे हम लोग आलू पराठा वगैरह बनाते हैं उसी तरह हमें स्टफिंग करनी है इसके अंदर चीज़ की। तो 1 बड़ा चम्मच मैं चीज़ इसके अंदर डाल रही हूँ। और इसे आप अच्छे से ऐसे पैक कर दें। आप इसमें फ्रेंड थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये फटता नहीं है। मैंने 1-2 ट्राई किया है बहुत ज़्यादा भी भर के। और ये हमारा कबाब आप देख सकते हैं कि रेडी है। तो आप शेप अपने हिसाब से चाहे लंबा या राउंड में भी बना सकते हैं, आप गोल बॉल टाइप का भी बना सकते हैं। तो मैंने इसे ऐसा रखा है। मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ फ्रेंड। और इसे मैंने कोई भी ऐसा प्रेस नहीं किया है, हाथों पे ही ये इजिली बन जा रहा है। आप याद रखें फ्रेंड, अगर स्टील का प्लेट में आप इसे रख रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा तेल लगा दें। और यहाँ पे कबाब बन चुका है। यहाँ पे मैंने लिया है ग्रिल पैन। आप चाहे तो जो भी नॉर्मल पैन या तवा, उस पर भी फ्राई कर सकते हैं इसे। मैं इसे इस पैन में फ्राई कर रही हूँ। और आप इसे पहले एकदम लो फ्लेम पे ही तले फ्रेंड, क्योंकि ये चिकन है तो इसे अच्छे से पकाना भी है हमें। और आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा इसे पलट के देखा है अभी एक तरफ से, तो अभी मैंने उसे पलटा है। लेकिन अभी इसे 2-3 बार अलट पलट के आप इसे जरूर पकाएं, ताकि चिकन अच्छे से पक जाए। अगर आपको लगता है कि इसे ढक के पकाना चाहिए तो आप ढक के भी पकाएं। और मैं इसे थोड़ा सा ढक रही हूँ ऐसे
ऐसे ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने थोड़ा सा ढक दिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कबाब लगभग पक चुका है और ये फूल गया है, क्योंकि इसके अंदर चीज़ है तो वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है, तो ये एकदम से फूलने लगता है। और यहाँ पे ये हमारा कबाब बिल्कुल रेडी है। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरी ये कबाब की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मैंने इसे हरे धनिया की चटनी के साथ, प्याज और नींबू के साथ सर्व किया है, और बच्चों को ये काफ़ी पसंद आने वाला कबाब है फ्रेंड। तो आप इसे अपने घर के लोगों के साथ एंजॉय करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको मेरी ये कबाब की रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।